हाँ भाई, तो चालू करते हैं एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इस चैप्टर से अपन रिपीटेड क्वेश्चन निकाले थे, लेकिन वो रिपीटेड क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि इस जो थ्योरी पोर्शन है, इतने थ्योरी पोर्शन में पूरा का पूरा कवर हो जा रहा था वो। इसीलिए अपन एक काम किए कि ये थ्योरी पोर्शन ही बना देते हैं एक रिपीटेड क्वेश्चन की जगह। ठीक है, तो क्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं रेडियो वेव। सिर्फ यहीं यहीं से क्वेश्चन आ रहा है और कुछ डिलीट भी हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट का यहाँ इस बार। ठीक है, वेव रेडियो वेव, इसका वेवलेंथ होता है 0.1 मीटर से छोटा, जितना भी 0.1 मीटर से छोटा है वो रेडियो वेव में आ जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 10^4 से 10^9 हर्ट्ज का। यूज़ कहाँ कहाँ होता है, टेलीविजन में, रेडियो में, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में, मतलब तारे देखते हैं ना उस फील्ड में रेडियो वेव का यूज़ होता है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का वेवलेंथ होता है 0.1 मीटर से 1 mm का, फ्रीक्वेंसी होता है 10^9 to 10^11 हर्ट्ज। ठीक, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये रेडार में यूज़ होता है, वो रेडार होता है ना शिप्स में जो लगा होता है, ठीक है, वो माइक्रोवेव उसमें यूज़ होता है। कुकिंग पर्पज़ में यूज़ होता है, वो जिसमें पेस्ट्री पेटीज गर्म किया जाता है ना, वही वाला माइक्रोवेव है ये। ठीक है, और फिर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, फ़ोन में भी यूज़ हो ही जाता है। ठीक है, इन्फ्रारेड वेव, इन्फ्रारेड वेव का फ्रीक्वेंसी होता है 1 mm to 700 nm, मतलब बहुत छोटा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 3 × 10^11 to 4 × 10^14, मतलब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है और वेवलेंथ कम होता जा रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इतना है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, टीवी के रिमोट में यूज़ होता है इन्फ्रारेड वेव। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी यूज़ होता है। विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में वो लाइट रहती है जिसकी जो किसी के ऊपर पड़ती है तो हम उसको देख पाते हैं, मतलब उस रीजन में जो भी चीज़ रहेगी उसी को सिर्फ अपन देख पाएंगे। तो उसका वेवलेंथ होता है 700 nm to 400 nm। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है 4 × 10^14 to 8 × 10^14 हर्ट्ज की। ठीक, क्या यूज़ में है, टू सी थिंग्स, सीधा सीधा है ना। अल्ट्रावायलेट रेस, इसका वेवलेंथ होता है, ये सूरज से निकलता है, सूर्य, ठीक है, सूरज से निकलता है, 400 nm से 1 nm की वेवलेंथ होती है इसकी, और फ्रीक्वेंसी होती है 8 × 10^14 to 8 × 10^16 हर्ट्ज़ की। ठीक है, इसका काम क्या है, टू किल जर्म्स, जर्म्स मारता है, टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ने में यूवी रेस का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक, और बर्गलर अलार्म का, ये एक अलार्म है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल्स में पता चल जाएगा तुम लोग को, या फिर गूगल सर्च कर लेना, पता चल जाएगा ये कैसे वर्क करता है बगलर अलार्म। ठीक है, एक्सरे, एक्सरे का वेवलेंथ होता है 1 nm to 10^-3 nm, फ्रीक्वेंसी होता है 1 × 10^16 to 3 × 10^21 हर्ट्ज़ की। ठीक है, ये यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ होता है मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में, ठीक है, स्किन डिजीज़ में या डिफेक्टिंग फॉल्स में। अपन देखें ना, अपने हड्डी का ढांचा इधर उधर हो जाता है तो अपन जाते हैं एक्सरे करवाने, एक्सरेज हमारी मसल्स के उस तरफ भी देख सकती हैं, इतनी हार्ड रेज रहती हैं ये। ठीक है, तो इस कारण एक्सरेज काम आती है। ठीक है, अब गामा रेज, गामा रेज क्या है, जिसका वेवलेंथ 10^-3 nm से कम है जिसका भी, वो गामा रेज में आ जाता है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 5 × 10^18 to 5 × 10^22 हर्ट्स। ठीक है, ये क्यों यूज़ होता है, ये बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है और ये रेडियोथेरेपी के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, इतनी चीज़ है, इसको याद रख लेना, ये जितनी भी चीज़ें बोर्ड्स में लिखी हुई है, ठीक है, इतने में से ही आएगा जो आएगा। ठीक है, मैं देखा हूँ रिपीटेड क्वेश्चंस और इतने में से ही आता था और किसी में से नहीं आता था। ठीक, तो मिलते हैं यार अपन अगली वीडियो में।